सरप्राइज हो सकता है आज का दिन भर हम तो कुछ कर नहीं पाए। मैं क्योंकि लेट आया आज। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला गो प्रणाम। मैं सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुमारी सोनी कॉर्नर में। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। धूप आ रही है और तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ जी यार तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के 4 बजे से, क्योंकि अभी तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और सुबह से मुझे टाइम मिला नहीं, क्लास जाना था। और आज मैं बहुत लेट से उठी, यानी कि 8:30 बजे, फिर जल्दी से नहाना धोना, पूजा पाठ हुई, फिर डी को नहलाया, नाश्ता कराया और दूध वगैरह पिलाया, फिर चल दी अपनी क्लास की तरफ। तो फिर आई, उसके बाद मेरे साथ दिशु भी आ रखी थी, फिर बच्चों को थोड़ी देर नीचे खिलाया और चिप्स वगैरह खिला के फिर ऊपर आ गई थी। फिर खाना वाना, फिर झाड़ू पोछा सुबह नहीं किया था तो अभी किया, और बहुत सारे कपड़े धोने थे, कपड़े भी धोए। तो आज जैसे कि आप लोग को पता है, आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास दिन है, बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का एक क्या बोल सकती हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेशल डे आज मेरे लिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आज जनाब तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन आज है 14 जनवरी और आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है मेरे लिए, क्योंकि आज है, आज ही के दिन तो हम पहली बार मिले थे। ये दिन मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डे है और आज ही से मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अच्छा हो गया। मतलब यानी कि कोई आ गया मेरी लाइफ में, मेरा समवन स्पेशल, यानी कि मेरा मोटू। मतलब ये दिन जो है ना, मैं कभी भूल नहीं सकती अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत खुशी का दिन है। पूरे 13 साल हो गए हमें और आज हम पहली बार मिले थे, और आई थिंक इसी टाइम पे हम लोग, वो मेरे से नेक्स्ट डे यानी कि 15 को फिर मेरे घर पे आए थे, आई थिंक सॉरी सॉरी उसी दिन शाम को फिर वो मेरे घर पे आए थे अपने दोस्तों के साथ मेरे से मिलने के लिए। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन थोड़ा सा सैड हूँ क्योंकि हम लोग आज साथ में नहीं हैं, और बुरा भी लग रहा है कि काश साथ में होते। होप कि आज वो शाम को आएंगे और फिर वो कल से जाएंगे पूरे 3 2 पता नहीं 1.5 2 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, फिर तो हम अकेले रहने हैं। अगर आ गए तो हम लोग थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करेंगे कुछ, अगर नहीं आए तो कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि अकेले कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। बिना उनके तो मैं कुछ भी ना करूं, मतलब मेरा मन ही नहीं करता। मैं बाहर ही नहीं जाती जब वो यहाँ नहीं होते, तो ये मतलब पार्टी तो बहुत दूर की बात है। तो गाइस अभी 5 बज चुके हैं और हस्बैंड का कोई कॉल मैसेज नहीं आया है और मिला गुन्नू ये है अभी, तो मैंने सोचा चलो गुन्नू को चिप्स खिलाया जाए। लो गुन्नू गुन्नू चिप्स खाओ, खाओ नहीं खाना। अभी तो मेरे पास ये है ना, तो इसकी उसमें मन लग जाता है। जब ये नहीं थे तब इतना कहीं जा मतलब दूर कहीं जाते नहीं थे और मैं जॉब भी करती थी। ये दूरी की वजह से तो मैं इस बार 4 साढ़े 4 महीना घर रह के आई थी, क्योंकि फिर चले जाते हैं इधर ऐसी एक्सरसाइज के लिए और हम लोग यहाँ पर अकेले रहते हैं, फिर ये इसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो डैडा इधर नहीं होते हैं। स्कूटर की दीवानी बोली मैं भी उड़ाऊंगी, अब भाभी तो बस फॉर्मेलिटी करके आ गई। कहाँ गया स्कूटर? स्कूटर कहाँ गया? आपकी पतंग को क्या हुआ? वो है आपकी पतंग को क्या हुआ? बीमार हो गई। आपकी पतंग को क्या हुआ? अब मुझे कुछ छीन नहीं रही है। ले ला आ जाओ, वाओ ले वन टू ए रुक वन टू टेन इको पकड़ हट जा हो जा है गिरना मत गिरना मत। दिशु उड़ गई, दिशु पुतू ने गिरा दिया वहां पे, दिशु उसके हाथ में दे दे। वेरी गुड 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 गुड, ये देखो इसको गुड गुड चलाओ चलाओ, पैर रखो, हाँ गुड तो गाइस आजकल ना डी के नखरे अलग ही चल रहे हैं, तो परसों मैंने इसको नहलाने के बाद एक दिन वो उड़ा दिया था कंबल, क्योंकि इसको ठंडा लग रहा था। आजकल कहती है मुझे ठंडा लग गया, उड़ा दो। अब ठीक है
ओके, कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है। आपने काइट काइट क्या है आपकी? तो इनका फोन आया था कि मैं 8 बजे तक आऊंगा, बट 8 बज चुके हैं अभी, कोई फोन नहीं, मतलब मैसेज आया था, कोई फोन तो आया नहीं है, देखो क्या होता है। अब मैं भी आ गई हूँ नीचे से, थोड़ा सा मूड भी ठीक हो गया नीचे जाने से, भैया और भाभी लोग आए थे, तो अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाना। मैं सब्जी भी लेके आई, तो मैं नॉर्मल सी सोच रही हूँ आलू न्यूट्रेला की सब्जी और रोटी यही बना देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया, तो अभी मैं इसके लिए लगा देती हूँ टीवी। और आप लोग देख सकते हैं 8 बज चुका है। क्या देखूँ, डर लग गया? कहाँ लग गया डर? तो गाइस आ गए हैं हमारे पति देव रात के 9 बजे, और आज मैं सच में मेरा मूड बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। मेरे साथ साथ वो भी अपसेट है, उनको लगा मैं कुछ करूँगी, मतलब कुछ सपने सजाए होंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कुछ पता नहीं कब तक आएंगे, और मैंने भी सोचा था कि हम लोग बाहर जाएंगे और वहीं सेलिब्रेट करेंगे, घर पे नहीं भी करेंगे तो, बट ना हम बाहर ही जा पाए और ना हमने घर पे गया। पिछली बार हमने इतना सारा इंजॉय किया था, मतलब पोपट हो गया सब चीज़ का, मेरा मूड, मतलब मुझे रोना आ रहा है सच में, कि मतलब हमने इतना अच्छा दिन ऐसी वेस्ट हो गया। 9 बजे आए बता तो दिया, तभी तो कह रही थी 9 बजे आए, तो 8 बजे भी आते तो शायद हम बाहर चले भी जाते। सबसे मेन है ना, अगर मैं इनके लिए सरप्राइज भी रेडी रखूं, तो मेरे पास आजकल आई कार्ड नहीं है कि मैं बाहर नहीं जा सकती सामान वामान लेने के लिए, तो मेन दिक्कत ये है, नहीं तो मैं घर पे कुछ ना कुछ कर ही लेती। फिर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये था, इन्होंने बोला था मैं 2 बजे आ जाऊँगा, तो मैं उसी हिसाब से चली थी कि मैंने कहा कहीं आ गए और मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। फिर आज हम लोग मैं ये मान के मतलब वो थी ना रिलैक्स कि हम लोग आज बाहर जाएंगे कहीं करके, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने जब मैं लास्ट ईयर घर पे सेलिब्रेट किया था, तो बाहर जाएंगे और वहीं छोटा सा केक वगैरह लेके सेलिब्रेट करके खाना वाना खा के आ जाएंगे, ये सोचा था। फिर अगर इन पहले से प्लान होता कि रात को आएंगे, तो मैं डेफिनेटली मतलब घर पे सब कुछ रेडी रखती। तो गाइस मैं आ गया हूँ केक लेने के लिए, उसको मैं बता के नहीं आया हूँ मैं किस ले गया हूँ, उसे बोला है मैंने तब तक तू डेकोरेशन कर, मे भी सरप्राइज हो सकता है आज का दिन भर हम तो कुछ कर नहीं पाए मैं क्योंकि लेट आया आज, तो लेट्स सी अभी केक आएगा और एक दो आइटम और स्नैक्स टाइप का मंगा रखा है, उसके बाद देखते हैं किस टाइप से इंजॉय हो पाता है आज का दिन, हम सेलिब्रेट कर पाते हैं या नहीं, ये आपको कल देखने के लिए मिलेगा। सो लेट्स आ गया, अब पूरा पार्सल देखो कितना बड़ा बैग भर भर के आ रखा है, केक जो उनका बैग है इसमें केक है और समथिंग लाइक स्नैक्स, एक मेरी बेटी का फिंगर चिप्स है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, और देखो ये बेटू भी, दादा हाय बोलो, हाय, साथ नहीं छोड़ती है मेरे। चलो अभी अब मिलते हैं घर जाके, देखते हैं उसने कैसा डेकोरेशन कर रखा है। खालो तो जाना, आपने क्या किया बताओ हमको, तुम क्या कर रहे हो? अरे कहाँ किया है? अरे कहीं नहीं किया। इसने कुछ नहीं किया गाइस, देखो तुमने मुझे बता दिया गाइस, देखो इस इंसान को, इसने कुछ भी नहीं किया है। नहीं तुमने मुझे लाइट वाले सही तक नहीं किया इसने कुछ भी यार, छी इसका बिल्कुल मूड नहीं है लगता। तुमने मुझे लाइट वाले बोतल निकालने के लिए कहा था, वो मैंने निकाल दिए झाड़ू लगाने के लिए, बच्चे ने तो चला रखा। देखो भाई ऐसा सरप्राइज मिलता है आज, इसलिए आ रही है तू वहां से लेके वहां तक चले गए, मैंने तुझे कहा था अगर करना तो बलून भी नहीं है इधर, और बोतल में निकाल रखे हैं तो जला देती हूँ उसमें क्या, चलो। सो गाइज यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत डेकोरेशन तो हो ही गया, देखो फिर भी कितना अच्छा लग रहा है कुछ ना करके भी, ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जला दी हमने अपनी जो बॉटल वाली लाइट वाली बॉटल है, जो भी है बॉटल के अंदर लाइट है, कुछ भी कह सकते हैं। पता है क्या, इन्होंने मुझे बोला था कि मतलब कैंडल लो लाइट निकाल लेना बॉटल, तो मैंने निकाली, तो बोल रहे पूरे घर में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ डेकोरेशन कर रखी है, तो डेकोरेशन तो कहीं भी नहीं करी थी। बेटी को डाटा को बोलो, डाटा सुसुआई बोलो जाओ, मैं कोई। ये देखो हमारे कमाल के बंदे बंदे, ओपन ओपन ओपन।
डाला को किसी करो, अच्छे से करो, फिर से करो, जल्दी कर। मुकुमो हैप्पी टू ले कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? ये कौन है राजा? ये कौन है? ये मम्मा राजा का है। खुश नहीं थे गया या तो जल्दी आना चाहिए था, कभी आया भी नहीं तो रहने देता। और खाएगा जब प्लेट लेके खाएगा रघू। तो स्वामी जी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे 13 सालों के बारे में? हाँ मैंने 13 साल पढ़ दिया। बताओ ना। ओके तो कभी हो मैं बाई बोर्ड बहुत कुछ करने वाली थी बट चलो कुछ तो बता दो फिर हमारे बारे में, हमारे 13 सालों के बारे में। मजा आ रहे हैं, तू बता। आप हमेशा मेरे पे क्यों थोप देते हो? 13 साल वैसे दे दिए। मेरे 13 साल तो बहुत अच्छे गए, इनमें से एक आधा साल छोड़ के बाकी बहुत अच्छे गए। आप बताओ इधर देख लो ना जाना लोग बोलेंगे। वो लगा रहा हूँ। फिर लगाना। अब नो लगा रहा हूँ। राजा आपको कैसा लगा? अच्छा। हम मांगे नहीं। आपको कैसा लगा? हम मांगे नहीं है। हैं? हम मांगे नहीं है। हमारा घर नहीं है। ऊपर नहीं है। जाना बताओ। कुछ स्पेशल। मस्त तो लगा मतलब फिर भी कुछ कभी कोई कमी पेशी? हमें पेशी आज मेरे को तो लगा था तो इतना खराब होगा तूने बस दो बोतल झाड़ू लगा के बैठ गया वहां पे तू। अब मैं क्या करूं इस टाइम पे यार? तो चटाई बिछा देता तो टाइम ही नहीं बिछा रही। भाई गॉड बेइज्जती मानने वाले इंसान ही नहीं बिछा रहा। आई लव यू टू। अच्छे ना तू? मैं बहुत खुश हूँ। खुश नहीं होती तो उसके आंसू तो आए। आए कितने बदतमीज हो यार। आए थे आगे मुझे वैसे ही बहुत लड़ हुई। हाँ तो क्या बोलते हैं खास दिन था और मतलब जरूरी नहीं है सेलिब्रेट करना लेकिन साथ में क्योंकि आज संडे रूटीन था और बस लेकिन क्या कर सकते हैं सैटरडे था ना तो वही छुट्टी होती ना सैटरडे वजह से तो बहुत बुरा लगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पार्टी करनी थी ये करना था बस ये था कि साथ में होना था। जैसे इन्होंने बोला ना मतलब मैं दिन से राह देख रही थी कि 2 बजे एटलीस्ट 4 बजे तक तो आ ही जाएंगे फिर जैसे फोन आया ना कि मतलब 8 बजे तक पहुँचूंगा तो फिर थोड़ा सा मतलब अजीब सा हो गया कुछ कह नहीं सकती बट कुछ भी था बट हमेशा वो मेरे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल कर ही लेते हैं तो आज भी उन्होंने कर ही दिया। हमारा केक आ गया है और सबसे अच्छी बात है ना जब हम दोनों तभी तो हमारी लाइफ में छोटा सा खरबूजा भी आया हमारा ये अभी चल रहा है हमारा वीडियो टीवी पे और हमारा शादी वाला ये देखो आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना हमारा ये वाला वीडियो।
ये हमारी एनिवर्सरी शादी का है, मैंने अपनी एनिवर्सरी में डाला था शादी वाला। तो चलिए गाइस जाना कुछ बोलते हैं, बाय गाइस, लव यू ऑल, तो बोल दो बाय गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और किसकी लव स्टोरी है हम जैसी, मतलब हमारी जैसी इतनी लंबी है, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।